किसानों को धान का वाजिब दाम न मिलने पर रविवार को हापुड़ में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और किसान सड़क पर उतर आए। किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियां नवीन मंडी स्थल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़ी कर यातायात अवरुद्ध कर दिया। रविवार को साप्ताहिक अवकाश होने के बावजूद हापुड़ के ग्रामीण इलाकों से भारी मात्रा में धान की आवक हुई। रविवार की सुबह धान का करीब 2900 रुपये प्रति क्विंटल खुला, जो शनिवार के मुकाबले 300 रुपये प्रति क्विंटल कम था। रविवार को धान का भाव 2900 रुपये खुलते किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और किसान धरने, प्रदर्शन और यातायात जाम करने पर उतर आए। किसानों ने बिचौलियों पर धान मनमर्जी के दामों पर खरीदने का आरोप लगाया। हम ये कहना चाहते हैं, एक दिन पहले 3200 रुपए क्विंटल का धान का रेट था, आज हम आए 2900 रुपए क्विंटल है, और ये बोलते बेचना बेको नहीं, अपने घर को जाओ, ये क्या रेट है, इनके ऊपर हम क्या करेंगे, मैं एक बात बताऊं आपको, इनके ऊपर है कोई कहने वाला है, सुनने वाला है, सुनने वाला कहने वाला है, इनके ऊपर सुनने वाला है, कोई किसानों को भी सुनेगा नहीं सुनेगा भाई, किसान किसान के तो अपने लिया है यार, इनके हाथ में दे दिया, ये इनकी मर्जी, जो रेट खरीदे जो ना खरीदे, ये रेट दे रहे हैं किसान आगे सुबह, हम यहीं से आए हैं हापुड़ से, जाओ लो जी हमारे बाबा सुनो, हम जय मकरौली से बोल रहे हैं, कल तो मंडी में धान का रेट 3200 रुपए क्विंटल, गुलाब जी गढ़ में धान का रेट आज का 3200 रुपए क्विंटल, हापुड़ में 1800 से लेके इन्होंने 2900 रुपए क्विंटल ले रहे हैं आज उसी धान को, हम कहाँ लेके जाएं सर, इनकी मन की मर्जी हो रही है, अब आपने जाम लगाया है, क्या समस्या, हम यही चाह रहे हैं अधिकारी हमें इनकम करें और हमारी मांग पूरी करवा में, हमारा रेट सही रेट में हमारा माल बिका। किसानों की नाराजगी की खबरें मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अमला किसानों के बीच पहुंचा और किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान धान का वाजिब दाम मिलने की मांग पर अड़े रहे।